मलेशिया, मलेशिया, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी फोटोज हैं यार मलेशिया। अरे 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 माफ़ करना, मलेशिया की फ़ोटोज़ देखते हुए मैं भूल ही गई थी कि मेरे दर्शक भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल मलेशिया के पीछे तो सारी दुनिया ही दीवानी हुई है, और होगी क्यों भी ना, क्योंकि शायद आप भी जानते होंगे मलेशिया खारवाह के बारे में, क्या नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं स्लम प्रिंसेस ऑफ इंडिया की। मलेशिया खारवाह स्लम प्रिंसेस ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये स्टोरी देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं शीना तहे दिल से स्वागत करती हूँ। किसी ने सही कहा है, डेस्टिनी वॉन्ट सी योर कास्ट, रिलीजन, कलर, इवन हाउ ओल्ड आर यू एंड वेयर यू लिव, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। और इसकी सही एग्जाम्पल पेश करती है मलेशिया खारवाह। जी हाँ, मलेशिया खारवाह, ये नाम मुंबई की धारावी बस्ती में शान से लिया जाता है। मलेशिया की बात करें, वो अपने परिवार में अपने भाई, अपने पिता और अंकल के साथ रहती है। मलेशिया के बचपन से ही सपने बड़े थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। होता भी कैसे, जिस लड़की का परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहता है और एक टाइम का भी खाना मुश्किल से मिलता है, उसके लिए अपने सपनों को पूरा करना तो छोड़ो, उनको देखना भी नामुमकिन था। लेकिन आज ये मलेशिया की किस्मत में ही था कि उनको हॉलीवुड की दो फिल्में ऑफर हुई। चलिए अब बात करते हैं कि मलेशिया को फेमस किसने बनाया। आपने रॉबर्ट हॉफमैन के बारे में तो सुना ही होगा, वो एक हॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर भी है, पर मलेशिया के लिए ये इंसान फरिश्ते से कम नहीं था। साल 2020 में रॉबर्ट हॉफमैन ने अपने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मुंबई में आए थे। इस बीच में लॉकडाउन लग गया। रॉबर्ट अपनी म्यूजिक वीडियो के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे जिसको डांस और एक्टिंग दोनों आती है। इसी दौरान हॉफमैन के फ्रेंड ने बताया कि मुंबई की धारावी झुग्गी झोपड़ी में एक लड़की रहती है जो बेहद खूबसूरत है, और वो मलेशिया थी। लेकिन हॉफमैन ने मलेशिया के मिलने के बाद उसको काम देने के बजाय उसके कज़न को काम दे दिया। जब हॉफमैन ने मलेशिया से बात की तो मलेशिया ने उनको हंस के जवाब दिया कि उसे डांस करना तो पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा उसे मॉडलिंग करना पसंद है। रॉबर्ट हॉफमैन मलेशिया के मिलने के बाद उसकी आंखों से और मासूम चेहरे से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों के सामने मलेशिया को लेकर आएंगे। रॉबर्ट हॉफमैन ने इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट की, और जिस फोटोज़ को देख के लोगों में उसके काफ़ी चर्चे होने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कहा कि मलेशिया झुग्गी झोंपड़ी की लड़की नहीं लगती। लोगों का रिस्पांस देखे रॉबर्ट हॉफमैन ने ये डिसाइड किया कि वो मलेशिया को और आगे लेके जाएंगे। ऐसा करने के बाद ही उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मलेशिया के नाम पर एक वेबसाइट बनाई जाए। इसीलिए उन्होंने GoFundMe नाम का एक पेज बनाया, जिस पे मलेशिया को काफ़ी सपोर्ट होने लगी। इसके बाद मलेशिया ने अपना खुद का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया, जिस पे आज उसके 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मलेशिया की किस्मत ऐसी जागी कि आज उनके पास 2 हॉलीवुड मूवीज़ का भी ऑफर है, और इसके साथ उसके पास कई मॉडलिंग असाइनमेंट भी है। आपको बता दें कि उन्होंने YouTube की शॉर्ट मूवी लिव योर फेरी टेल में भी काम किया है। इन फोटोज़ पर देख के आपको मलेशिया खारवाह से और भी ज़्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि आज वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और एक्टिंग और मॉडलिंग में उनका एक टैलेंट इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट जो है वो क्रिएटिव जर्नी के रूप में डेवलप हो चुका है। बात अगर उनके शूट्स की करें तो वो एक डायनेमिक शूट्स के लिए जानी जाती है, और उनका सोशल मीडिया उनकी एक गहरी क्रिएटिविटी को आगे दर्शाता है। 15 साल की मलेशिया खारवाह आज फॉरेस्ट एसेंशियल के नए कैंपेन युवती सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हुई है। ये कैंपेन अंडर प्रिविलेज बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। मलेशिया खारवाह आज हज़ारों लड़कियों को प्रेरित करती हैं जो गरीबी में पैदा ज़रूर हुई हैं, जो अपने सपने देखना और खुद पर विश्वास रखना नहीं छोड़ती। तो ये थी कहानी स्लम प्रिंसेस ऑफ इंडिया की, जिसे मलेशिया खारवाह के नाम से जाना जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।